रणदीप सिंह एंड वेलकम इन द पंजाबी ट्यूटर। सो अज मैं जो तुहानू चीज़ दसन लगा वा शायद तुसी यूट्यूब तो ना देखी हो, क्योंकि देखो तुसी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के बारे सारे ने सुनिया वा, बहुत जगह तो पढ़िया भी है, जिवें कि सबजैक्ट तो बाद चो उहदे विच हैड तो बाद चो आपां थर्ड फॉर्म लैंदे आ, बाद चो अपना रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, दूसरे जो दूसरी क्लॉज हुंदी आ कॉमे तो बाद चो उहदे विच अपने कोल हुंदा वुड तो बाद चो हैव तो बाद चो थर्ड फॉर्म बाद चो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, तो मूहरे इहदे की हुंदा आपां ला दिंदे आ जे, जिहनूं आपां कंडीशनल सेंटेंस कह दिंदे। सो हुण रीडिंग दे विच कई वारी जो रीडिंग दे विच हुण पैटर्न देखिया वा तो बच्चों वो चीज़ डीकोड ही नहीं करनी आ रही। तुसी कहने हो कि जे दी आवाज़ फिर ही निकलूगी, जे मूहरे आ वाला वर्ड लाया पाऊगा फिर ही तुसी जे दी आवाज़ कढ़ोगे। मैं तुहानू दसा कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस नू दूसरे तरीके नाल लिखण दा एक रास्ता वा, जिहदे विच हैड नू स्टार्टिंग दे विचों ही लिखिया जांदा वा, तो तुहाडा जिहनू तुसी जे कह रहे हो ये खत्म ही हो जाता वा हैड स्टार्टिंग दे विच। हुण तुसी कहोगे हैड स्टार्टिंग दे विच लिखता तां इहदा मतलब क्वेश्चन मार्क बन गया, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं बनया, हैड नू स्टार्टिंग दे विच लिया है सबजैक्ट, सबजैक्ट की जगह पर आ बाद चो थर्ड फॉर्म रेस्ट ऑफ द वर्ड जमा सेम आ कॉमा तो जो दूसरी क्लॉज आ दूसरी क्लॉज दे विच कोई भी फर्क नहीं आया। यानी कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस नू पहला आपां लिखते होंदे सीगे कि जे ही पा के ही हैड वर्कड, के जे उन्हें काम किया हुंदा ही वुड हैव पासड तो फिर उन्हें पास हो जाना सीगा। यानी कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यूज़ कितने हुंदा वा, जदों कोई चीज़ पास्ट विच हैपन हो चुकी है हुण तुसी बदलन की कोशिश कर रहे हो जस्ट अपन सोचां दे विच, वो रियलिटी नहीं हैगी। तो तुसी पहला लिखिया पढ़िया सीगा भी जे ओ वर्क हार्ड कर लैंदा ही वुड हैव पास तो उन्हें पास हो जाना सी। ਇਹ ਸੇਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਹੈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ, ਹੈਡ ਹੀ ਵਰਕਡ ਹਾਰਡ ਕੌਮਾ ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਪਾਸਡ। ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ। ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਹੈਡ ਹੀ ਵਰਕਡ ਹਾਰਡ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਆ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। Till then take care, bye.